हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यस ट्रेंडिंग फैशन में। आज मैं आपको ये खूबसूरत स्लीव्स डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग करके पूरा प्रोसेस इसी वीडियो में बताऊंगी। गाइज, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, हमने इस कपड़े को 4 फोल्ड में लिया है, ये देखिए, और ये हमारा बंद साइड है। बंद साइड से हम अपना लंबाई ले लेंगे। गाइज, हमने ये कोहनी तक का लंबाई लेना है, और ये हमने गोलाई लेना है। हमारा मोटाई के हिसाब से आपका जितना है आप ले सकते हो, उसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमने। और ये 3 इंच पे निशान लगा के जो हमारा आर्म होल का था उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और ये गोलाई का निशान लगा देंगे। ये जो हमारा आर्म होल का था 8 इंच, और उससे 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेके ये गोलाई दे देंगे यहाँ से। इस तरह से से मिला देंगे। ये हमारा बाजू का निशान लग गया है ऊपर से, और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और गाइस, अब हम यहाँ से थोड़ा सा इसको कटिंग कर देते हैं आगे वाले को, और इसमें हमने दोनों सीधा साइड अंदर की तरफ किया हुआ है, और इसको ऐसे कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा ऊपर का रेडी हो गया है, और अब हम नीचे का कटिंग करेंगे। ये डबल फोल्ड में लिया है कपड़ा, अब हम इसको ऐसे तिरछा मोड़ेंगे और इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। इसे निशान लगा देंगे और 1/2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा ले लेंगे और इसको कट कर देंगे। और गाइज, अब हमने जितना हमारा बाजू का लंबाई है वहाँ तक लेना है, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और इसको ऐसे गोलाई में कट कर देंगे इसे निशान लगा के। ये देखिए गाइस, हमारा ये बाजू कट हो गया है पूरा। और गाइस, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इसको ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हम ये जो हमने कटिंग किया था ये रखेंगे। दोनों साइड हमने अंदर की तरफ सीधा रखना है, सीधा साइड को ऐसे अंदर की तरफ रख लेंगे, और इसको इसके ऊपर ऐसे रख के इसको अटैच कर देंगे। और इसको ऐसे पलट कर अब एक सिलाई और लगा देंगे, इसको मार्जिन को ऊपर की तरफ करके ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब
गाइस इसके ऊपर हमने ये पट्टी लगाना है डोरी डालने के लिए। इसको हम हाफ इंच एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और दोनों तरफ से मोड़ देंगे इस तरह से। और अब हम इस डोरी इस पट्टी को बिल्कुल बराबर करके बीच में से कट कर देंगे। और ये मोड़ा हुआ हिस्सा गाइज हमने बीच में रखना है, इसलिए बिना दो मोड़ नहीं रखा है वो यहाँ पे रखेंगे और इसको ऐसे सिलाई लगा देंगे जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसके ऊपर रख के उसके ऊपर से ऐसे सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम ये दूसरी वाली पट्टी को भी ऐसे ही लगा लेंगे और मोड़ा हुआ हिस्सा इस तरफ रख देंगे। और अब इस पट्टी को ऐसे पलट देंगे और यहाँ से थोड़ा सा मोड़ के ऐसे इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब इस दूसरी वाली को भी ऐसे पलट कर ऐसे लगा लेंगे। ये देखिए गाइस हमारा बीच से ये दोनों मुड़ा हुआ था जो यहाँ बीच में डोरी डालने के लिए गैप रखा है। और अब हम यहाँ से एक सिलाई और लगा देंगे। सिलाई लगा दिया है और इसके अंदर अब हम डोरी डालेंगे ऐसे। गाइस डोरी और टसल्स कैसे बनाते हैं इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं करके। आप पिन से भी डाल सकते हैं। ये देखिए गाइस इसको ऐसे निकाल के और यहां पे हम सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम दूसरी डोरी को भी इसमें से पास कर लेंगे। ये देखिए गाइस हमारा दोनों डोरी अच्छे से डल गया है। इसको ऐसे कर लेंगे। इस तरह से हम खींच भी सकते हैं, इसको टाइट करना है आपको या लूज करना है जितना भी आप कर सकते हैं। और गाइस जब हम नीचे से इसको मोड़ देंगे इस तरह से और गाइस अब हम इसको ऐसे उल्टा करके और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। ऐसे जो हमारा फिटिंग का निशान लगाया था हमने बाजू में उसके ऊपर से ऐसे सिलाई लगा देंगे। और गाइस ये हमारा बाजू रेडी हो गया है। ये देखिए गाइस हमारा पूरा बाजू रेडी हो गया है। ये इस डोरी को हम इस तरह से डाल देंगे कितना
अच्छे से, और ऐसे खींच भी सकते हैं इसको टाइट करना है तो, और इसको ऐसे बांध के। और ये देखिए गाइस, हमारा पूरा बाजू रेडी हो गया है। ये देखिए गाइस, हमारा बाजू कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कितना अच्छा बन गया है। प्लीज़ गाइस, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।